अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो यार जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम न्यू केजीज लेके आएंगे अपने चकोर और अपने सुरखाब के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह हम ना न्यू केजीज लेके आए। देखिए कितना बड़ा है ये हमारे सुरखाब के लिए माशाल्लाह। देखें फुल खुला डुल्ला लेके आए क्योंकि ये बड़े होते हैं, इसको बाय शिफ्ट नहीं कर सकते, इसका केज नहीं बना सकते क्योंकि ये ना उड़ जाते होते हैं। इनको अगर खोले ना ये पता भी नहीं लगता, मिनटों में ना उड़ जाते। इसलिए हम इसके लिए मास्टर केज के अंदर हम केज लेके आए न्यू माशाल्लाह। देखें कितना प्यारा, और देखो अब खुला डुला घूम भी रहा है अपना, इसको बहुत पसंद आ गया अपना ये न्यू केज। और इसकी फीमेल की बात हुई है, वो भाई कह रहे हैं 2-3 दिन आप रुक जाओ, इंशाल्लाह ना आपको मंगवा दूंगा फिर आप ले जाना। और ये देखो माशाल्लाह भी अकेला है, 2-3 दिन आप बाद आप देखेंगे ना माशाल्लाह इसकी फीमेल भी आ जाएगी। और चकोर देखें यार कितना शोर कर रहे हैं यार। सिम भाई से चुप करवाओ यार, सिम भाई बाहर खड़े। मुर्गी वाले केज के अंदर गया हुआ तो देख रहा है, वो बोल रहा है। अच्छा तो स्मी भाई कह रहे हैं मुर्गी वाले केज में गया हुआ तो उसका चकोर साथी तो उसको देख रहा है इसलिए इतना शोर कर रहा है। स्मी भाई पास गए, चुप कर जाएगा। और ये देखे हमने अपने शिकरा ने जो इसके लिए भी न्यू केज लेके आए। देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा केज है, खुला डुला। वो लकड़ी वाला ना थोड़ा सा छोटा था इसलिए हमने ना उसमें निकाल के अब इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। ये भी देखे अब इधर नीचे पड़ा हुआ है। और ये जो हमारा मिट्ठू इसका भी हमने केज साथ ही रख दिया। हमने कहा यार तुम भी फ्रेंडशिप करो आपस में क्योंकि तुमने अब इकट्ठे ही रहना है। और यार एक बैड न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए, ये ना हमारा जो लक्का कबूतर ने बच्चा दिया था ना एक, ये देखे एक तो माशाल्लाह इनके साथ ही बैठा हुआ है ये इधर, और एक ये है ना ये इससे ना बचार से चला, ये ना बैठा रहता था। हम कहते थे पता नहीं क्यों, हमने ना हमारी चैनल नजर पड़ी, हमने चेक किया इसको, हम क्या देखते हैं यार क्यों नहीं उठता ये बार बार। हमने देखा तो बेचारे ना इसकी चला नहीं जाता, इसके टांगों में कोई मसला था। हमने चेक करवाया डॉक्टर को, वो कहते डॉक्टर कहते कि ना पैदायशी कुदरती तौर पे है इसके टांगों का कोई मसला, आप ना इसे दवाई दें। भाई ने कैप्सूल दिए थे डॉक्टर ने, वो हमने इसको खिला दिया, माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ गया। अब ये पानी पी लेता है थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा उठ लेता है, और बाजरे माशाल्लाह बड़े शौक से खा लेता है। और ये देखें कोपरी माशाल्लाह बहुत प्यारे, आज तो दोनों बाहर आए हुए हैं माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। और यार ये देखें जो हमारे बजीज के केजी था ना, ये तो अब भरे भरे लगते हैं क्योंकि माशाल्लाह जो हमारी फी पेयर था ना हमारे बजीज का, इसने माशाल्लाह बच्चे दिए, चार चार बच्चे निकाल दिए। वो देखें दो वो ऊपर बैठे हुए हैं और एक इधर बैठा हुआ है और एक अभी अंदर ही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा पेयर था जिसने ये बच्चे निकाले हैं, और वो अभी अपने खुजियों के अंदर ही रहते हैं, 3-4 बाहर रहते हैं। और ये देखें माशाल्लाह ये भी कैसे जुड़ के, ऊपर वाला पेड़ बैठा हुआ है, नीचे वाला एक मेल उठ गया अभी, वो दोबारा जाके बैठ जाएगा। और ये देखें वो भी माशाल्लाह तीनों इकट्ठे जुड़ के बैठे हुए हैं। और ये देखो ये तो जब भी देखो इसको ऊपर ही होता है। हाँ जी भैया ठीक हो, हाँ जी माशाल्लाह भाई फ्रेश है, मेरा ऐसे लग रहा है ढीला है, माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश। और वो भी देखें अंदर सुकून से बैठी हुई है हमारी फीमेल लक्का कबूतर की। यार आज चकोर बहुत शोर कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पे खड़े हैं, पता नहीं इन्हें क्या है। हमने तो माशाल्लाह डाइट भी कितनी सारी डाली है, इन्हें दाना देखें कितना सारा डाला है। और ये डकी हैं तो माशाल्लाह आज ना धूप भी निकली हुई है इसलिए अपने आप को ना नहा रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं माशाल्लाह, मस्तियाँ कर रहे हैं फुल। और मुर्गियाँ भी 2-3 अंदर हैं और 2-3 बाहर हैं। आ जाओ यार मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ बैठे हैं, ये देखें सारा ने ग्रुप बना लिया इधर बैठ गए आगे। आ जाओ यार तुम भी बाहर आ जाओ। और ये जो हमारे चकोर हैं पता नहीं क्यों शोर कर रहे हैं यार, इन्हें पता नहीं आज क्या हुआ है, शोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये देखो ये भी थोड़ा बहुत ना बोल रहा है। मुर्गियों को पानी निकालो यार, वो अंदर ही बैठी रहती हैं। क्या अस्मी भाई मुर्गियों को पानी निकालो, वो अंदर ही बैठी रहती हैं। निकालो अस्मी भाई, वो स्टिक उधर ऊपर पड़ी आप उससे निकाल लो, वो अस्मी भाई साइड पे उधर नुकर पड़ी आप निकाल लो फिर उनको बाहर निकालो। ये देखो माशाल्लाह ये तो अपने आप को सफाई कर रहे हैं, और अस्मी भाई स्टिक लेके आए, ये सारे डरगी डकी गए। ये फिल्म है अस्मी भाई चकोर, पता नहीं मैं कहूँ पता नहीं क्यों शोर कर रहे हैं, मैं अंदर बता रहा था और ये बाहर शोर करी जा रहा है बहुत ज़्यादा। ओ अस्मी भाई ध्यान से, अस्मी भाई उठने लग गए उसके वो लग गया। ये देखिए मुर्गी और चकोर तो बाहर आ गई हैं, और मुर्गा भी देखो नुकर पर खड़ा है, मुझे लगता है फिर अंदर चले जाएंगे। मैं ना जैसे ही इधर आएंगे जल्दी जल्दी केज बंद कर दूंगा ताकि दोबारा अंदर ना जाए। और डकी गैंग तो माशाल्लाह ना एक दूसरे से बातें कर रहे हैं अपना हाल चाल, हालाँकि एक ही केज में होते हैं फिर भी अपनी ना एक दूसरे के दुख बांट रहे हैं, अपनी खुशियाँ बता रहे हैं एक दूसरे को। देखो अपना वो फुल गिल्ला कर ले वाली फीमेल ने, देखो भाई आए नहीं हो मुर्गे बाहर भाई, मैंने अभी निकाला है वो देखो साइड पे, फिर वहां पे जाके ना खड़े हो गए सारी सारी मुर्गियां मुर्गे। और चकोर को पता नहीं क्या अंदर क्यों जा रहे हैं। तो यार ये देखें माशाल्लाह ना चकोर ने मस्तियां करनी शुरू कर दी मिट्टी के अंदर, ये मिट्टी बहुत पसंद है इसे, बार बार ना उठ के इधर आ जाते हैं। ये फीमेल है जो देखो बैठ गई है, मुर्गी भी चले गई अंदर सिंह भाई। ये पहले जैसे ये और काली मुर्गी भी इधर आके बैठे थे,
इसको लगता है वही दिन याद आ रहे हैं दोबारा। और ये देखो चकोर बाहर आ गया, मुर्गे को मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखो माशाल्लाह वो देखो दाना भी खाने आ गए। इतना पानी पीते नहीं है, डक जीता नहीं, जिगरा देते। देखो भाई नहाते हैं ना, नहाते नहाते सारा कीचड़ कर देते हैं इधर उधर। ओ हमारे मेल को देखो कैसे मस्तियां कर रहा है यार, फुल मस्तियों में है आज। तो धूप क्यों निकली है भाई इतने दिनों बाद आज। वो देखो मुर्गी जगह साफ करी अपने बैठे। सिम भाई लगता है यार अंडा देगी आज, इंशाल्लाह अंडा दे देगी। सिम भाई दे देगी इंशाल्लाह। हमने ना उसे प्रोटीन वाली दवाई डाली है पानी में उसके, उसने पिया होगा इंशाल्लाह दे देगी फिर वो। यार सिम भाई ये क्या लेके आ रहे हो भाई, गोश्त चिकरे के लिए था भाई। डाल दो, देखो कैसे देख रहा है, उसको पता लग गया लगता है गोश्त लेके आए हो आप। सिम भाई सारा डाल दो। हाँ जी भाई वो देखो सिम भाई डाल रहे, देखना भी आएगा। वो देखो उसने देख लिया, उसको पता लग गया, देखना भी आता। सिम भाई इधर हो जाओ आप, वो डर की वैसे नहीं आ रहा, देखना भी नीचे आएगा कैसे शौक से खाते हैं गोश्त। ये देखो उसमें भाई पर देखो कितने बड़े चीन जैसे पर हैं इसके। अब जब ऐसे रखता है ना बंद करके तब इतने बड़े नहीं लगते। हाँ जी बड़े लगे, देखना भी नीचे आएगा वो ना, हमारे से लगता डर रहा है कि हमने ना अपने मिट्टू को भी डाल रहे हैं और हमने ना अपने सुरखाब को भी डाला है बनाना, ये देखते हैं खाता है कि नहीं खाता। और वो देखो मिठू ने तो माशाल्लाह खाना शुरू कर दिया है। हर चीज का शौकीन है, इसको मीठा भी डाल दो, उसको खट्टा भी डाल दो, बड़े शौक से खाता है। देखो माशाल्लाह खाना शुरू किया हुआ इसने भी, अभी सुरखाब ना हमारी वैसे नहीं खा रहा, ये भी खाना शुरू कर देगा अभी। और शिकरा ने माशाल्लाह थोड़ा सा खा ले वो ना, हम उसके सामने आए ना, हम उसको देख रहे हैं इसलिए वो खा रहा है। जैसे बैठ जाते हैं वो खाना शुरू कर देता है। ये तो मिट्टी भी लगाता है, मुंह में डालते हैं खा जाता है, पूरी बॉडी डालता है भाई, ऐसे ना अंदर ले जाता है बिल्कुल। और खाते हैं तो बोलता भी है। अरे ये देखे शिकरा नीचे तो आगे लगता है, इसको ना हमारे सामने नहीं खा रहा ये, हम बाहर चले जाते हैं। चलो यार इसकी भूख ना खराब हो, इसको भूख लगी होगी, खाने देते हैं हम ना, बाहर चलते हैं। और वो देखो शाम भाई ना केले लेके आए हैं मुर्गियों के लिए और सब बतखों वगैरह। वो देखो वो कितनी स्पीड है, चेक करो यार इनकी, बागे बागे माशाल्लाह खाने चले गए हैं। वो देखो एक मुर्गी ने उठा ली एक चकोर ने, और बतखे डर रही हैं मुर्गी से, लगते हैं इन्हें पसंद आ गया। शाम भाई और डालो, देखो माशाल्लाह कितने शौक से खा रहे हैं, मीठी मीठी चीज़ है, हर टाइम बाहर खाते रहते हैं। वो कहते हैं फीका फीका खिलाते हो, आज केला डालना मीठा होता है। वो देखो ना, वो देखो चकोर भी खाने लग गए हैं। ये देखो मुर्गी ने तो एक स्किन लगाया, सारा ख़त्म कर दिया है। और वो देखो मुर्गे ने हमला कर दिया, लगता है डकी गैंग को भी पता नहीं चला, ये भी नहाने मसरूफ हो पड़े हैं। कहते हैं आज धूप निकली लंबी नहा लेते हैं, इनको भी मारना बहुत सर्दी लगती है। वो देखो मुर्गी ने इधर से खत्म किया उधर भाग गई। ये देखो अब डकी गैंग के पास फेंका है, तो माशाल्लाह खाना शुरू कर दिया, पता लग गया। देखो बागी बागी आ गए हैं, खाओ भाई खाओ। तो यार ये देखो माशाल्लाह शिकरे ने खाना शुरू कर दिया, वो देखो गोश्त खा रहा है। मैं ना दूर खड़ा हूँ, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, माशाल्लाह देखो अपना शौक से खा रहा है ये। तो ये ना हम न्यू खुजियाँ ले गए हैं चार, ये देखे इनके ढक्कन भी ऊपर लगे हुए हैं, ये देखे कटोरियाँ जो, और ये देखे माशाल्लाह चार ले गए हैं। और ये कैल्शियम वाले ना जो बिस्किट टाइप होते हैं वो भी ले गए हैं दोबारा, ये जैसे इनके केजी में हमने पहले रखे हुए हैं ना, ये देखे इधर लगा हुआ है। ऐसे हम और न्यू ले गए हैं दो माशाल्लाह। और अब हम ना आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नजर आएगा कि हम ये दोनों जो बिस्किट भी हैं बिस्किट टाइप कैल्शियम वाले, और ये खुजियाँ भी चारों हम लगा देंगे। मैं अब बताता हूँ आपको कहाँ पे हमने खुजियाँ लगानी है, दो दोस्तों हमने इसमें लगानी है और एक हमने इसमें लगानी है, और ना एक हमने ना अपने हो ग्रोमो बर्ड वाले ना केज में लगानी है, क्योंकि हम उसके वो छोटे हैं, उनका भी साइज यही होता है छोटा। बॉक्स निकाल लोगे भाई? हाँ जी भाई बॉक्स बाहर निकाल लेंगे, बॉक्स बाहर निकाल लेंगे और ये वाली खुजियाँ लगा देंगे। और ये चार खुजियाँ पूरी पूरी ले गए हैं, एक अपने होगरों बर्ड के लिए, दो अपने ये वाले बजीज के लिए, और एक इस केज के लिए। माशाल्लाह इनको ना ये बहुत पसंद आ गया, इनको ये वाला केज देखो उड़ते खेलते रहते हैं। हाँ जी ये झूला लगा ना जो, इससे बहुत इंजॉय करते हैं। देखो माशाल्लाह पहले इधर थे, इधर भी ये वाला झूला लगा हुआ था, ये देखें यहाँ भी बहुत खेलते थे, और अब माशाल्लाह देखें कितना खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं फुल ये। तो यार ये देखिए जो हमारा कॉकटेल है ना, इसको आपको नजर आ रहा होगा मुंह पे ना थोड़ा जख्मी जख्मी सुपड़, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखें मुंह से ना थोड़ा जख्मी, मुझे लगता है ये आपस में ना दोनों मेल और फीमेल लड़े हैं। रात को हम सुबह आगे देखे, हमने थोड़ी ना अब दवाई वगैरह डाल दी पानी में इनके, माशाल्लाह देखना इनशाला थोड़ी देर कर रखना ये सारा ठीक हो जाएगा, थोड़ा जख्म चोट वगैरह इसके देखें। ये देखें मुँह के पास ये सारा सही हो जाएगा, फिर ना हम ना माशाल्लाह और दवाई डाल देंगे रात को। भाई वो अंदर गए हुए माशाल्लाह, वो अंदर ही रहते हैं अब, इंशाल्लाह अंडे दे देंगे वो भी। हाँ जी
तो आज की वीडियो का यही बैंड करता है भाई, होप आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो आज हाफिज़।